विक्की में आपका स्वागत है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कोटा दौरा, विकास कार्यों का जायजा लेने निकले हैं धारीवाल। निर्माणाधीन ऑक्सीजोन पार्क का विजिट किया है और कहा कि कोचिंग सिटी कोटा को ये विश्व स्तरीय पार्क दिलाएगा नई पहचान। नए साल के पहले महीनों में पार्क जनता को समर्पित करने की पूरी उम्मीद है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी लेते हुए निर्माणाधीन ये पार्क है जिसका जायजा वो ले रहे हैं। कहना ये पानी बह के, अभी तो बहुत कम पानी देते हैं, काफी तैयार हो रहा है सिटी पार्क। बहुत शानदार सिटी पार्क बनेगा ये, मेरा ख्याल है अभी महीना सवा महीना डेढ़ महीना लगेगा इसमें कंप्लीट होने में। और ये सारा का सारा देखिए, हज़ारों की तादाद में तो पौधे लगे हैं, छोटे बड़े मिला मिला मिलू करके तो लाख दो लाख, दो लाख से ज़्यादा होंगे करीब करीब। बड़ा अच्छा, ये नहर चालू होने वाली है, नहर में पानी भरेगा तो चारों तरफ इसमें बोटिंग वोटिंग होगा, ये होगा। सर कई ऐसी खूबियाँ हैं जो देश के किसी पार्क में नहीं है, उन खूबियों के बारे में बताएं। खूबी बताना साहब कौन कौन सी है? सर ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एवियरी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इस आपका सपना था। हर तरह का पक्षी जिसमें होगा, बाहर का पक्षी भी होगा तो बाहर से मंगवाया जाएगा पक्षी, वो सारी एवरेज रहेगी। तो ये उड़ते हुए पूरे आपका जो ये हाईवे है, स्टेट हाईवे जो है, वहाँ से चलता हुआ आदमी भी देख पाएगा इसको। सर नहर और जलधारा भी एक बड़ा आकर्षण रहेगा, इसमें हमेशा पानी बहता रहेगा? हमेशा हमेशा पानी, इसमें पाँच छः तो फाउंटेन है, वो ऐसे ऐसे फाउंटेन है कि जो कहीं पर भी लगे ही नहीं होंगे, ऐसे शानदार शानदार फाउंटेन है। म्यूजिकल फाउंटेन के अलावा भी दूसरे ऐसे फाउंटेन हैं। और इसके अलावा ये देखिए आप, जितना भी एरिया है सारा ग्रीन हो गया, सब कंप्लीट ग्रीन है पूरा। सर शहर की जनता को क्या कुछ खबरी सुनाना चाहेंगे, कब तक ये जनता के लिए पूजा नहीं? जनता के लिए कंप्लीट हो रहा है, अब कंप्लीशन में टाइम तो लगता ही है क्योंकि चार महीने तो हमारे इसमें बरसात ने बिगाड़ दी है जी, चार महीने, वरना तो ये कंप्लीट हो जाता। अभी तक उम्मीद है कि सब ये दिसंबर के पहले पहले जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोटा को नई पहचान देगा साहब ये? निश्चित तौर पर पर्यटक को लुभाएगा, और ये खास तौर पर कोचिंग का एरिया है तो कोचिंग के जितने भी लोग आते हैं, उनके जो कोचिंग के स्टूडेंट्स आते हैं उनके